हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना साइंस का सेवेंथ चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज सॉर्टिंग द मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। ओके, सॉर्ट करने का मतलब क्या होता है? जैसे अब जब आप लोग छोटे होते होंगे, ठीक है, तो आपकी आपको क्या करते हैं, हम लोग मार्बल्स को मिक्स करके देते हैं, कलरफुल मार्बल्स मिक्स करके दे दिए, येलो मार्बल्स और ब्लू मार्बल्स दे दिए सपोज कीजिए आपको, ठीक है। अब आपको क्या बोला जाता है कि आप येलो मार्बल्स को अलग कीजिए और ब्लू मार्बल्स को अलग कीजिए, ठीक है। अब जब आप उस येलो मार्बल को एक जगह इकट्ठे कर देंगे और ब्लू मार्बल्स को एक जगह इकट्ठे कर देंगे, दैट मीन्स यू आर सॉर्टिंग द मार्बल्स इनटू वन ग्रुप। मतलब आपने जो एक जैसे मार्बल थे उनको एक जगह सॉर्ट कर दिया और दूसरे मार्बल्स को आपने दूसरी जगह पे सॉर्ट कर दिया। ऐसे ही आप देखिए, जैसे आप मान लो मार्केट में जाते हैं, कुछ कन्फेक्शनरी शॉप्स पे जाते हैं, ठीक है। अब वहां पे क्या होता है, बिस्किट्स एक जगह पे रखे होते हैं, शैम्पूज एक जगह पे रखे होते हैं, ठीक है, या टॉयज एक जगह पे रखे होते हैं, ओके, सोप्स एक जगह पे रखे होते हैं, तो वो सब क्या करते हैं, उन चीजों को सॉर्ट कर देते हैं ग्रुप में, ताकि उनको आइडेंटिफाई करना क्या हो, इजी हो जाए। ऐसा नहीं होता कोई शैम्पू कहीं रखा हुआ है, कोई सोप कहीं पे रखा हुआ है, तो उससे आपको क्या होगा, कभी भी आप उनको ढूंढ नहीं पाओगे, ठीक है। अब जो बड़े बड़े बिग बाजार टाइप होते हैं, उनमें क्या करते हैं, सॉर्ट करके रखते हैं सभी मटेरियल्स, ओके। तो सॉर्टिंग क्या होता है, किसी भी सामान को एक जगह पे ग्रुप बनाकर रख देना, ताकि हमें उनको पहचानने में या उनको फाइंड आउट करने में इजी रहे, ठीक है। अब आपको क्या है, व्हाई इज इट नेसेसरी टू सॉर्ट द मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, सिमिलर थिंग्स आर अरेंज्ड टुगेदर, थस वी कैन इजीली फाइंड द थिंग्स। क्यों सॉर्टिंग की जाती है, ताकि हम उनको आसानी से ढूंढ सके, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग और कीपिंग द सिमिलर थिंग्स टुगेदर इज कॉल्ड द ग्रुपिंग। When we put things into groups, we classify them. Okay, arranging things into groups on the basis of their characteristics is called the classification. और हम उनको कैसे classify करते हैं, उनके characteristics के basis पे, ठीक है। अब जैसे कुछ चीजें क्या होती है, soft होती है, hard होती है, कुछ क्या करती है, float कर सकती है, float means तैरना, sink कर सकती है, डूब जाती है, कुछ shine करती है, कुछ dull करती है, तो उन्हीं के basis पे हम उनको क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, ओके। अब जैसे आपको यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, नट एंड बोल्ट आपके क्या है, हार्ड है, ठीक है, सिंक कर जाएंगे अगर आप उसको पानी में डुबोएंगे, दूसरा क्या है, डल होते हैं, ठीक है। आपकी पेपर बोट होती है, क्या होती है, फ्लॉट करती है वाटर में, ठीक है, और क्या करती है, शाइन, तो पेपर बोट है तो क्या करेगी, डल होती है, शाइन नहीं करती, ठीक है। इसी तरह से हम चीजों को क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, ओके। Now the properties of materials. Things around us are made up of different materials. Some are made of metal, some are made of plastics, and some are of any other materials like paper, wood. Okay? One particular material can be used to make many things. अब जैसे आपका wood है, wood से आप क्या करते हैं, table भी बना सकते हैं, chair भी बना सकते हैं, plastic है, toys भी बना सकते हैं, chairs भी बना सकते हैं, okay? Toy दूसरे प्ले आइटम्स भी बना सकते हैं आप उससे, जैसे आपके घर में मग्स भी होते हैं, वो भी क्या होते हैं, कई बार प्लास्टिक के देखे जाते हैं, ठीक है। मेटल्स होते हैं, मेटल्स को हम किस लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे यूटेंसिल्स बनाने के लिए भी, वायर्स, हमारी जो वायर्स होती हैं इनके अंदर भी क्या होता है, मेटल यूज करते हैं, ज्वेलरी, एयरप्लेन, इन सब में हम क्या यूज करते हैं, तो एक ही चीज को हम डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, आइटम्स मेड ऑफ वुड, ठीक है, आइटम्स मेड ऑफ डिफरेंट मेटल्स एंड ए मिक्सचर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब सिल्वर स्पून है, किसकी बनी हुई है, सिल्वर की। नेल, नेल क्या होता है, जो ये आपकी कील होती है घरों में, जो आप यूज करते हैं हैंगिंग के लिए। कॉइन है ये आपका, ये भी मेटल से बना हुआ। आयरन पेपर क्लिप, सेफ्टी पिन, गोल्ड रिंग, स्टील रूलर, नीडल, ये सब आपके किससे बने हैं, या तो मेटल से बने हुए हैं या फिर मेटल्स और नॉन मेटल्स के मिक्सचर से बने हुए हैं, ओके। नाउ वी नो दैट वन पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट कैन बी मेड फ्रॉम डिफरेंट मटीरियल्स, ठीक है, हम एक ही मटीरियल को डिफरेंट डिफरेंट, एक ही ऑब्जेक्ट को डिफरेंट मटीरियल से बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको चेयर का ही एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, चेयर आप वुड की भी बना सकते हैं और प्लास्टिक की भी बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको टू बीकर्स दिए हुए हैं, देखो, लुक एट दिस बीकर्स, एक प्लास्टिक का बना हुआ है और दूसरा किसका बना हुआ है, ये प्लास्टिक और ये ग्लास का बना हुआ है, ठीक है। हम दोनों को एक डिफरेंट पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। प्लास्टिक बीकर आपका क्या है, इजीली टूटेगा नहीं, ठीक है, लेकिन जो ग्लास बीकर वो आपका क्या हो जाएगा, टूट सकता है, ठीक है।
बट हम इसको क्या कर सकते हैं, प्लास्टिक बीकर को हम हीट नहीं कर सकते, लेकिन जो ग्लास बीकर हो है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, हीट कर सकते हैं। तो इनको बनाने का पर्पस क्या होता है, डिफरेंट पर्पस होता है। ऐसा नहीं होता है कि हमारा जो पर्पस है कि हम प्लास्टिक बीकर भी बना दिया हम उसको हीट कर सकते, नहीं हम उसको हीट नहीं कर सकते तब भी हमने ग्लास बीकर बनाया है, ठीक है, वो क्योंकि ब्रेक नहीं हो सकता है। ओके, अब हम इनको कैसे ग्रुपिंग कैसे करते हैं, फिजिकल अपीयरेंस कि वो दिखते कैसे हैं, मैग्नेटिज्म से। मैग्नेटिज्म का मतलब कि उनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है या नहीं है, या आपको पीछे भी बताया गया पीछे के चैप्टर्स में। स्टेट्स ऑफ मैटर एंड सॉल्युबिलिटी, स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है कि वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। सॉल्युबिलिटी मीन्स कि वो डिजॉल्व हो सकता है या नहीं हो सकता। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, पहले भी आपको बताया गया था कुछ आपके क्या होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं और कुछ आपके इंसुलेटर्स होते हैं। इंसुलेटर्स क्या होते हैं ये आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है। पहले भी मैं आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन की थी कि कंडक्टर क्या होते हैं और इंसुलेटर क्या होते हैं। जो कंडक्टर होते हैं वो आपके कंडक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपके इंसुलेटर कंडक्ट नहीं कर सकते। ओके, चलो ये तो आप इनके बेसिस पे आप अपने मटेरियल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। अब आपको क्या दिया गया है, फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे इनको सॉर्ट आउट किया गया है, हार्डनेस, रफ सरफेस, लस्ट्रस अपीयरेंस और ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। हार्डनेस के बेस पे देखिए, सम ऑब्जेक्ट्स सच एज मेटल्स, स्टोन्स एंड वुड आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस। जो मेटल्स होते हैं, स्टोन्स होते हैं, वुड होते हैं, उनको क्या है, दबा नहीं सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, ठीक है। डायमंड भी क्या है आपका, हार्डेस्ट नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस, ठीक है, जो हमें नेचुरली मिलता है वो क्या है हमारा, डायमंड एक हार्ड सब्सटेंस है। अब जैसे स्पॉन्ज होता है, कॉटन होता है, इनको हम क्या कर सकते हैं, इजिली कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं, दे आर ग्रुप्ड एज सॉफ्ट मटेरियल्स, ठीक है। ये आपको हार्ड मटेरियल्स दिए गए हैं, ये आपको सॉफ्ट मटेरियल्स दिए गए हैं। नाउ रफनेस के बेसिस पे अब कुछ मटेरियल्स क्या होते हैं, जैसे सैंड पेपर है, ब्रिक्स है, बार्क ऑफ ट्रीज है, बार्क ऑफ ट्रीज क्या है, जो पेड़ की छाल होती है उसको बोलते हैं, हैव रिजेस ऑन देयर सर्फेसिस, दीज रिजेस मेक द सर्फेस रफ। इनके देखो ये सर्फेस क्या है, यहाँ पर क्या है, बार्क ऑफ ट्रीज है, सैंड पेपर होता है। ये आपके घरों में भी आप जैसे वो कराते पेंट वगैरह करवाते हो तो जो पुराना पेंट होता है उसको साफ करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सैंड पेपर का यूज करते हैं। ओके, या जैसे घरों रस्टिंग वगैरह हो जाती है आयरन के ऊपर, जंग लग जाता है, उसको क्लीन करने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, सैंड पेपर का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, रफ होते हैं। सम ऑब्जेक्ट्स डू नॉट हैव रिजेस ऑन देयर सर्फेस, दैट मीन्स वो क्या होते हैं, स्मूथ होते हैं जब हम उनको टच करते हैं, जैसे ग्लास, सिल्क और पेटल्स ऑफ ए फ्लावर्स हैव ए स्मूथ सर्फेस। ओके, नेक्स्ट इज लस्टर। लस्टर का मतलब क्या होता है, जिनका शाइनी सर्फेस होता है दैट आर नोन एज लस्टर, लस्टरस सर्फेस। ओके, जिनकी अपीयरेंस क्या होती है, लस्टरस होती है, उसमें कौन कौन से आते हैं आपके, गोल्ड ज्वेलरी है या सिल्वर कटलेरी, सिल्वर की हमारे पास कटलेरी भी हम यूज करते हैं, बहुत से लोगों के घरों में होती भी है सिल्वर कटलेरी, ठीक है। अब जो मेटल्स होते हैं आर यूज टू मेक डेकोरेटिव आइटम्स बिकॉज ऑफ देयर लस्टरस प्रॉपर्टी। ओके, ऑब्जेक्ट्स विच हैव रफ सर्फेस जनरली डू नॉट शाइन, जो आपके पास रफ सर्फेस है, जैसे बार्क ऑफ ट्रीज था या ब्रिक्स थी या सैंड पेपर था, इनका क्या था, रफ सरफेस था, तो हम इनको कभी भी डेकोरेशन वगैरह के लिए यूज नहीं करते हैं क्योंकि इनमें शाइन नहीं होते, लेकिन जो लस्टरस ऑब्जेक्ट होते हैं उनको हम क्या करते हैं, एज अ डेकोरेटिव आइटम्स भी हम उनको यूज कर सकते हैं। ओके, अब हमारे पास एक यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है, डायमंड आपका क्या शाइन तो करता है बट ये क्या है, मेटल नहीं है। ये शाइन क्यों करता है, क्योंकि ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। आपको पहले ही बताया गया था रिफ्लेक्शन क्या होती है, कि जो लाइट आपकी, मान लो जो डायमंड है उसके ऊपर जो लाइट पड़ी वो वापस क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, वापस आ जाती है, ठीक है। दैट मीन्स दैट डायमंड इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके, तो डायमंड आपका शाइन क्यों करता है, क्योंकि वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है थ्रू इट्स मल्टीपल सरफेसेस। आपने अगर किसी ने देखा हो आर्टिफिशियल जो रिंग्स वगैरह होती हैं उनमें जैसे स्टोन्स लगे हुए होते हैं, ठीक है, तो जो क्या होता है वो क्या होता है, राउंड शेप के, उनमें क्या होता है, मल्टीपल सरफेस होती है, तो जैसे मल्टीपल सरफेस पे जैसे जैसे लाइट पड़ेगी वो क्या करेगा, बहुत ज्यादा शाइन करेगा। इन द सेम वे डायमंड भी आपका क्या होता है, उसके भी मल्टीपल सरफेसेस होते हैं, दैट्स व्हाई इट हैज अ शाइनी प्रॉपर्टी, लस्टरस प्रॉपर्टी, बट इट इज नॉट अ मैटर। ओके,
नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी के बेस में हमारे तीन, ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या था, जिसके हम आर पार देख सकते हैं, ठीक है। तीन तरह, तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया, दैट इज ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक। ट्रांसपेरेंट क्या है, जिसके अंदर से आपकी लाइट पास हो जाती है वो आपका क्या होता है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है। उसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे ग्लास, एयर, वाटर, ओके। सम प्लास्टिक्स आर ऑल्सो ट्रांसपेरेंट, कुछ प्लास्टिक्स भी ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, ओके। यहाँ पे देखो, कुछ मेटल्स क्या होते हैं, शुरू में शाइन करते हैं लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, डल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आते हैं, ठीक है, तो उनके बाहर क्या बन जाती है, लेयर ऑफ ऑक्साइड बन जाती है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस होता है, जब भी आपका कोई मेटल होता है अगर वो ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आएगा तो उस पर क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है। ये आपको आगे आएंगे चीजें वहां पर क्लियर करेंगे, जैसे रस्टिंग होती है, ठीक है। अब जो आपका आयरन होता है, जब वो आयरन ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, वहां पे भी ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है। जैसे शाइनी एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स, और ये क्या है, एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स, अंदर से क्या हो जाता है, डल हो जाता है, क्योंकि इसके ऊपर किसकी लेयर बन जाती है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, जो कुछ लाइट को पास होने दे, ट्रांसपेरेंट क्या था, जो पूरी की पूरी लाइट को पास होने दे, आर नोन एज अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। लेकिन जो कुछ लाइट को पास होने देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स। जैसे फ्रॉस्टेड और डीपली कलर्ड ग्लास, वेक्स्ड पेपर, डर्टी पेपर एंड सम प्लास्टिक्स, ओके। आपके घरों में भी आप देख सकते हैं ऐसे बहुत सी चीजें होती हैं, जैसे जो ग्लास होते हैं, कुछ ग्लासेस क्या होते हैं, एकदम प्लेन होते हैं, लेकिन कुछ ग्लासेस के थोड़ा थोड़ा डिजाइन सा बना हुआ होता है, ठीक है। उनमें से क्या है, लाइट, कुछ लाइट पास होगी लेकिन कुछ लाइट नहीं पास होकर आएगी। ओपेक क्या होता है, जिसमें से थोड़ी सी भी लाइट पास नहीं होती, जैसे वुडन डोर होता है, वॉल, टेबल, पिल्लो, इनमें से क्या है, थोड़ी सी भी लाइट पास नहीं होगी, तो दीज आर नोन एज द ओपेक ऑब्जेक्ट्स, ओके। नाउ दैट इज इट फॉर टुडे।